पशुपतिनाथ में बाला चतुर्दशी के एक रात पहले मध्य रात में अपने पितरियों के नाम से दिए जलाए जाते हैं। ₹100 का INR इज वाइडली एक्सेप्टेड है। आप सामान खरीदो, इनको ₹100 दो और आपका सामान लेने के बाद में वो आपको नेपाली रुपीज देते हैं। हाय, गुड आफ्टरनून। एक नई जर्नी चालू हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं त्रिभुवन एयरपोर्ट पर काठमांडू में। आई हैव कम हेयर थ्रू इंडिगो एयरलाइंस एंड आई हैव गॉट सच एन अमेजिंग सरप्राइज एंड द सरप्राइज वॉज दिस। यस, दे सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। आई एम हेयर फॉर अबाउट 8 days एंड द आइडिया आउट हेयर इज टू विजिट एंड सी वॉट ऑल साइट सीइंग प्लेसेज आर देयर एंड वॉट ऑल अनसीन प्लेसेज आर हेयर विच आई कैन शो यू। Be there with me. Kathmandu is not the only place where I'll be going. I'll be showing you some more places you will be fascinated about. Well, I'm in Nepal. So first thing first, like any other country, सबसे पहले visa immigration को cross करना होगा. For Indians, there is no visa required per se. There is not even a passport required. आपका सिर्फ voter ID भी काफ़ी होगा अगर आपके पास passport नहीं है, expired हो चुका है तो. Let's cross that, get a SIM and go towards the hotel. आई एम टेकिंग द सिम कार्ड और ये मेरा पहला नेपाली करेंसी है, 20 rupee नोट। दीज आर द प्लान्स आई कुड गेट। दैट्स द होटल आई विल बी स्टेइंग, होटल क्राउन इम्पीरियल। आई गॉट अ डीलक्स अपार्टमेंट देयर विच इज अ 3 BHK बिकॉज वी हैव अ ग्रुप ऑफ 5 people। So I have reached the Crown Imperial. They have rooms as well as the apartments. जो मैंने बुक किया आपके लिए वो है एक डीलक्स अपार्टमेंट। प्रॉपर डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया विद द बालकनी, देयर इज वन रूम हेयर, द बाथरूम, द अनदर रूम साइड साथ में, देन देयर इज अनदर रूम। हाय, गुड मॉर्निंग। टुडे इज day 2 इन नेपाल। आई एम स्टे एट क्राउन इम्पीरियल। कल ही आने के बाद मैंने आराम करने के अलावा कुछ नहीं किया क्योंकि आई वॉज प्रीटी टायर्ड। फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव लर्न यस्टरडे इवनिंग एंड आई वॉन्ट टू टेल यू राइट नाउ। योर होटल्स वुड जनरली हैव दीज सॉर्ट ऑफ ATMs, यहाँ से जब पैसा निकाल रहे हो तो ज़्यादा निकालना क्योंकि वेन एवर यू विड्रॉ द मनी वो लोग आपसे नेपालीज करेंसी में 500 rupees ट्रांजेक्शन चार्जेस लेते हैं। अप टू 35,000 NPR इज़ वॉट यू कैन विड्रॉ एट वन गो। यहाँ का करेंसी थोड़ा सा चीप है इंडिया से। 1 INR इक्वल टू 1.6 नेपालीज रुपीस और 100 rupees और 200 rupees के नोट्स बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है। 500 और 2000 rupees के INRs आर इलीगल, सो डू नॉट कैरी देम विथ यू। आप यहाँ पर 100 rupees का नोट देते हो, आप चीज़ें खरीदो और वो आपको बाकी बचे हुए पैसे नेपालीज करेंसी में दे देते हैं। टुडे इज़ गोइंग टू बी अ टिपिकल साइट सीइंग फॉर काठमांडू विच विल इंक्लूड पशुपतिनाथ, स्वयंभू, बोधिनाथ, आई डोंट नो होटल, डेफिनेटली दरबार स्क्वायर। सिंस द डे इज जस्ट बिगन एंड आई एम येट टू स्टार्ट माई ट्रैवल, आई डोंट वॉन्ट टू बोर यू विथ माई कॉन्वर्सेशन। लेट्स गो एंड चेक इट आउट व्हाट ऑल प्लेसेस वी कैन गो। व्हाट्स योर नेम सर? माई नेम इज सैम श्रेष्ठ। और कहाँ, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर 7 years हुआ है। 7 years से? सो ही इज़ द वन हु इज़ माय गाइड फॉर द डे टुडे, जो मुझे काठमांडू का साइट सीइंग कराने वाले हैं। लेट्स गो अराउंड। हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? स्वयंभू ना, उसके बाद पाटन, हाँ, उसके बाद वो बौद्ध स्तूप, ओके, उसके बाद पशुपतिनाथ। अब पशुपतिनाथ में इवनिंग में भी आरती होती है ना? या कब से कब तक? 6 to 8 या उसके बाद आप वापस यहाँ छोड़ोगे? या ओके ओके, थैंक यू। या चलो फिर। ऑल राइट, सो एज अ वेरी फर्स्ट स्टॉप आई हैव कम टू स्वयंभूनाथ टेम्पल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मंकी टेम्पल। आपको बहुत मंकीज दिखेंगे यहाँ पर। दिस इज प्राइमरली अ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज। यहाँ पर एक स्तूपा है विच इज़ बीन नोन एज वेरी ब्यूटिफुल। सो फ्यू मोर थिंग्स आई लर्न एंड दिस इज एन अनदर टिप फॉर यू।
यहाँ पर टैक्सीज आर वेरी एक्सपेंसिव, आपको बार्गेन करना होता है, और अगर उससे बचना है तो इन ड्राइव ऐप और पथाव ऐप वो डाउनलोड कर लो, इट विल बी इजी फॉर यू। सो दिस इज अ विशिंग वेल, आपको एक कॉइन्स मिल जाएंगे 10 NPR में 4, लेट्स गो एंड पुट सम कॉइन्स देयर। सो दैट वॉज द सुपर स्वयंभूनाथ टेम्पल, एंड नाउ हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन के लिए। सो अब मैं जा रहा हूँ दरबार स्क्वायर, बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, गाड़ी के नंबर्स ऑलमोस्ट हिंदी में दिखते हैं। सो आई एम एट द दरबार स्क्वायर ऑफ काठमांडू। यहाँ पर 3 दरबार स्क्वायर्स हैं, एक बसंतपुर जिसमें मैं हूँ, दूसरा पाटन दरबार स्क्वायर जो कंपैरेटिवली छोटा है, और तीसरा है भक्तापुर दरबार स्क्वायर। अभी के लिए ऑन द बसंतपुर दरबार स्क्वायर आई हैव टू टेक दिस टिकट्स विच कॉस्ट अबाउट 150 NPR पर टिकट, बबल टी, लास्ट आई गॉट दिस इन थाईलैंड। Do you know this Darbar Square is known as Hanuman Dhoka's Darbar Square also, and this is a World Heritage Site as per UNESCO. Come along. तो अब दरबार स्क्वायर के बाद में मैं आ गया हूँ बोधिनाथ स्तूपा। बोधि स्तूपा में आने के लिए आपको 100 NPR देने होंगे। ये स्तूपा थोड़ा सा लार्जर लग रहा है देन व्हाट वी हैव सीन एट स्वयंभू, एंड दैट इज व्हाट लुक्स सुपर ब्यूटीफुल। This is one of the largest spherical stupas in the world, and it's also listed in UNESCO in 1979. It's been said that there are remains of Buddha in here. The entry inside is not allowed, so all you can do is aap ek pura round laga sakte ho, aas paas ek do mandir hai wo dekh sakte hain, and uske alawa just enjoy the vibe out here.
सर जस्ट कम टू द लास्ट स्टॉप पशुपतिनाथ टेम्पल। शाम को 5 बज रहे हैं तो सनसेट होने वाला है, इसलिए थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। नॉट ओनली द दर्शन बट ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ पर जो आरती होती है, जो मैंने उसके वीडियो देखे है, इट रिमाइंडेड मी ऑफ बनारस। देखिए यहाँ पे पशुपतिनाथ में बाला चतुर्दशी के एक रात पहले मध्य रात में अपने पितरियों के नाम से दिए जलाए जाते हैं। जितने भी नेपाली लोग साल भर जितने भी अपने जो पितृ लोग गुजरे हैं पूर्वज लोग, उनके नाम से हम दिए जलाते हैं जी, जो बाला चतुर्दशी से। और पूरी रात जलता है, पूरी रात भर जलता है और सुबह तड़के के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय वो दिए को हम पीछे नदी में ले जाते हैं। Okay. और एक जो पत्ते की एक टोकरी बनाते हैं टोकरी जैसा, और उसमें दिए रख के दिया जला के उसको पानी के साथ बहाते हैं। वो एक पितरी के हिसाब से हम 3 साल जलाते हैं, 3 साल जो हर एक साल वो बाला चतुर्दशी के एक रात पहले। और कब आता है बाला चतुर्दशी? बस आने वाला है 3-4 दिन के बाद। 4 दिन, 3-4 दिन के बाद। और ये सिर्फ एक ही दिन होता है? ये बस साल में एक ही दिन होता है। सो अभी 5 बज रहे, एक आरती यहाँ पर होने वाली है 5:45 बजे, एंड देन गंगा आरती विल हैपन एट अराउंड 7:00। सो हैड एन अमेजिंग दर्शन एट पशुपतिनाथ। इंटरेस्टिंगली सिर्फ हिंदूज आर अलाउड, बाकी और कोई जा नहीं सकता। कैमरा अलाउड है नहीं तो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर नहीं पाया। अब वहाँ से निकलकर मैं जा रहा हूँ गंगा आरती देखने के लिए। किसी भी मंदिर में आकर एक अलग ही शांति वाला फील आता है, और शायद इसीलिए मेरा वॉल्यूम अभी काफ़ी धीरे हो गया है। तो ये था काठमांडू का आज का टूर। एक जगह रह गई, सोल्टिको कैसिनो, जो डेफिनेटली मैं नेपाल छोड़ने से पहले तो कवर करूंगा ही। अभी मैं आ चुका हूँ वापस क्राउन इंपीरियल होटल में वेयर आई एम स्टेइंग, और यहाँ के 13th फ्लोर पर देर इज़ अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट वेयर आई एम गोना हैव माई मील। द नेक्स्ट वीडियो विच यू विल सी विल कम डायरेक्टली फ्रॉम पोखरा। येस, आई एम लीविंग टुमोरो फ्रॉम पोखरा एंड आई हैव फाउंड आउट फ्यू डिफरेंट वेज टू गो देयर विच यू विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। So therefore, while I go eat my dinner, you don't go anywhere before you click on the like and subscribe button and hit the bell icon for the notifications of my upcoming videos. I'll see you soon from Pokhara, and until then, stay safe, stay healthy, phir milenge.